इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसने खरीदा और बीजेपी के खाते में पैसा डाला है वो आधे से ज्यादा लोग क्रिमिनल्स हैं, आर्थिक गुनहगार हैं, कुछ भगोड़े हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई एक्शन उनके ऊपर हुई है। ऐसे लोगों से पैसा लेना और पार्टी चलाना ये भी पीएमएलए एक्ट, जिस पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को खत्म करने का जो प्लान बना है बीजेपी ने, वो एक्ट के अनुसार बीजेपी सबसे बड़े गुनहगार है। अब देखना पड़ेगा उसमें और किस किस के नाम है। अगर ऐसे बड़े बड़े गुनहगार बीजेपी के मित्र है जो पैसे देते हैं, चंदा लो, चंदा दो, धंधा लो, अब देखना पड़ेगा उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम है, छोटा शकील का नाम है, उसने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेकर उनको दिया है, कुछ भी हो सकता है। उससे सीट शेयरिंग को लेकर आपने बोला कि ऑलमोस्ट पूरा फाइनल हो गया है, एक दो दिन में मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल सीट शेयरिंग को कल तक हो जाएगा।